मानव से पैरा मेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की हमारी DNIS क्लास है और इसका टॉपिक है टार्सल्स बोन। ठीक है, हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट किया था और उसी में अभी हम लोग देख रहे हैं टार्सल बोन। तो देखिए आज हम लोग अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले एक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं हम लोग। तो हमारा अभी करंटली शुरू है स्केलेटन सिस्टम और उसमें से भी अपेंडिकुलर स्केलेटन शुरू है हमारा। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी शुरू है। लोअर एक्सट्रीमिटी क्या है? लोअर एक्सट्रीमिटी मीन्स हमारे दोनों लेग्स के बोन्स, ठीक है, वो आते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में। अब उसमें से भी हमारे जो बोन्स है एक लेग में के, जो होते हैं टोटल 31 बोन, उसको भी हमने ग्रुप किया है। जैसे 5 बोन है फर्स्ट, जिनका नाम है हिप बोन, फीमर बोन, पटेला बोन, देन टिबिया, फिबुला, ये 5 बोन हमारे हो चुके हैं। अब उसके बाद का बोन आज हम लोग देख रहे हैं जो एंकल जॉइंट के बोन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टार्सल्स। अब इसके पहले हम देखा था फिबुला बोन। फिबुला बोन क्या है? तो ये एक बोन है जो हमारे टिबिया बोन से कनेक्टेड रहता है साइड से। ऊपर से ये हमारे नी जॉइंट में अटैच है और नीचे से ये हमारे एंकल जॉइंट में अटैच रहता है। इसके हमने स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, मिडल पार्ट, लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर पार्ट में देखा है कि ये कनेक्शन कर रहा है हमारे टिबिया बोन से और वहाँ पे जॉइंट बनाता है जिसका नाम है टिबियो फिबुरल जॉइंट। ओके, उसी तरह नीचे की तरफ भी जॉइंट बनाता है और उसका भी नाम है टिबियो फिबुरल जॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो ऊपर का जो जॉइंट है जो हमारे नी में है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो प्रॉक्सिमल एंड पे है, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुरल जॉइंट। और नीचे का हम लोग जॉइंट को नाम देंगे डिस्टल टिबियो फिबुरल जॉइंट, क्योंकि ये डिस्टल एंड में रहता है। फिर मिडल पार्ट देखा था इसमें, तो मिडल पार्ट में हमने देखा है कि इसमें 4 बॉर्डर्स हैं और 4 सरफेस हैं। बॉर्डर कौन सी बताए थे इसमें? एंट्रोलेटरल इंटीरियर, एंट्रोमेडियल बॉर्डर, एंट्रोलेटरल बॉर्डर और एंट्रोपोस्टीरियर बॉर्डर और एंट्रो। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 बॉर्डर देखा था हमने। 2 बॉर्डर ये एंटीरियर सरफेस पे रहते हैं, मतलब सामने की तरफ, और 2 बॉर्डर पीछे की तरफ रहते हैं, मतलब पोस्टीरियर सरफेस पे। सामने की जो 2 बॉर्डर है उनका नाम है एंटरो लेटरल बॉर्डर, मतलब सामने की साइड में, इसलिए एंटरो, और साइड में इसलिए बाहर की साइड में, तो लेटरल, इसे एंटरो लेटरल बॉर्डर। और दूसरा है एंटरो मीडियल बॉर्डर, क्योंकि सामने है लेकिन अंदर की तरफ है। फिर पीछे के 2 बॉर्डर्स, मतलब पोस्टीरियर साइड के, तो उनका नाम रहेगा पोस्टीरियो लैटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियो मीडियल बॉर्डर, क्योंकि एक बाहर की तरफ है, एक और अंदर की तरफ है। फिर ये चारों मिलकर फिर सरफेस बनाते हैं। अब सरफेस कौन से रहेंगे? एंटीरियर सरफेस, मतलब जो सामने की तरफ है, पोस्टीरियर सरफेस, मतलब जो पीछे की तरफ है, जो अंदर की तरफ है वो मीडियल सरफेस, और जो बाहर की तरफ है वो लैटरल सरफेस। अब इसमें से हर एक बॉर्डर और हर एक सरफेस अटैचमेंट करती है कुछ लिगामेंट्स का, कुछ टेंडेंस का, ठीक है, उनको भी हमने डीपली देखा था। तो ये देखा था, इतना स्ट्रक्चर हमने देखा था हमारे फिबुला बोन में। इसमें देखा कि हमने 3 मेन जॉइंट्स हैं जिनका नाम है प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट, डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ऐसे 3 मेन जॉइंट्स हमने इसमें देखे थे। अब उसके नीचे का हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टार्सल बोन्स। अब एक्चुअली ये जो बोन्स है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, ये कंप्लीट एक ग्रुप है हमारे फुट बोन का। मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं बोन्स ऑफ फुट, FWT फुट, ठीक है। तो तीनों मिलाकर, मतलब टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, ये तीनों मिलाकर हमारे फुट के बोन्स हैं।
और उसमें से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टासल बोन्स, जो उसका फर्स्ट पार्ट है। अब टासल बोन्स क्या है? तो ये टासल बोन्स हमारे एंकल जॉइंट के पास रहते हैं, ये कनेक्शन करते हैं हमारे लोअर लेग से ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से हमारे मेटाटार्सल से। ठीक है, तो इनका लोकेशन क्या रहेगा? इट इज लोकेटेड बिटवीन लोअर एंड ऑफ टीबिया एंड फिबुला ऑफ लोअर लेग एंड मेटाटार्सल्स। मतलब क्या बताया हमने कि जो हमारे लोअर लेग है उसके जो दो बोन है टीबिया एंड फिबुला, उसका जो लोअर एंड है उसके बीच में ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से हमारे मेटाटार्सल के बीच में, ऐसे इसका लोकेशन है हमारे टार्सल्स का। ठीक है, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैं पिक्चर शो करता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है हमारे फुट बोन। अब देखिए पूरा जो ये रहेगा इतना पार्ट, ये आएगा हमारा बोन्स ऑफ फुट। ठीक है, ये दो बोन हो गए टिबिया और फिबुला, मतलब हमारे लोअर लेग के ये दो बोन है टिबिया एंड फिबुला, और उसके नीचे जो ये पार्ट रहेगा इतना पूरा, तो ये आएगा हमारा बोन्स ऑफ फुट। ठीक है, अब ये जो बोन्स ऑफ फुट है ये तीन ग्रुप में बांटे गए हैं। अब तीन ग्रुप कौन सा है? तो टार्सल्स, मतलब ये पार्ट जो सेवन बोन होते हैं कंप्लीट, फिर बाद में मेटाटार्सल्स मतलब बीच का पार्ट, और फेलेंजेस। ठीक है, तो टार्सल्स यहाँ पे सेवन रहेंगे, फिर मेटाटार्सल्स रहेंगे फाइव, और फेलेंजेस 14। ऐसे कंप्लीट बोन यहाँ पे होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बोन्स ऑफ फुट। ठीक है, अब इसमें से जो टार्सल्स है वो सेवन बोन है। सेवन बोन का नाम क्या है? तो टैलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर एंड तीन बोन है क्यूनिफॉर्म के, मतलब मीडियलिस, इंटरमीडिएट एंड लैटरलिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सातों के सात नाम, ये टैलस है, कैल्केनियस, और ये ए बी सी डी जो दिख रहा है उनके नाम दिख रहा है पे, मतलब बीच का नेविकुलर, फिर मीडियस, लैटरलिस, इंटरमीडिएट, क्यूनिफॉर्म एंड ई है लास्ट वाला क्यूबॉइड। ऐसे सेवन बोन्स है हमारे टार्सल्स में। अब इसके अलावा अब जो हमारा फुट है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, इसको तीन रीजन में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। इसे लिख लीजिए, बोन्स ऑफ फुट, नोट डाउन कर लीजिए। बोन्स ऑफ फुट उसमें लिखिए, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन। फर्स्ट वन हिंड फुट, ये सेकेंड वन मिड फुट एंड थर्ड वन फोर फुट। मतलब हमारा जो पूरा फुट है उसकी जो बोन्स है उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी पहले तीन ग्रुप तो ऐसे है कि हमारे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, ये हमारा एक अलग ग्रुप है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि ये जो फुट की जो बोन्स है तो उसको भी और अलग रीजन में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग उनके लोकेशन के हिसाब से। तो वो ग्रुप कैसा रहेगा? हिंड फुट, मिड फुट और फोर फुट। अब हिंड फुट में क्या क्या आएगा? तो हिंड फुट में ये ऐसे दो बोन्स आएंगे, टैलस एंड कैल्केनियस। हिंड फुट इंक्लूड्स टैलस एंड कैल्केनियस। फिर सेकेंड है मिड फुट, मिड फुट इंक्लूड्स क्यूबॉइड, नेविकुलर
एंड क्यूनिफॉर्म। अब क्यूनिफॉर्म में उसके ऑल थ्री टाइप्स आ जाएंगे, मीडियस, इंटरमीडिएट और लैटरल। और लास्ट रीजन है इसमें का 4 फुट। इट इंक्लूड्स मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। देखिए एक्चुअली हमने क्या बताया यहाँ पे कि हमारे जो बोन्स हैं उनका ग्रुप अलग है, जैसे कि टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, ये ऐसे ग्रुप होता है इसका। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा कंबाइनली यहाँ पे फुट देख रहे हैं, मतलब पूरा पार्ट देख रहे हैं। तो इसको हम लोग डिवीजन कर सकते हैं उसके रीजन के हिसाब से, उसके लोकेशन के हिसाब से, मतलब इसमें जो बोन्स है उसी लोकेशन के हिसाब से हम उसको 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। और उनका नाम है हिंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। तो हिंड फुट में हमारे टार्सल के 2 बोन आते हैं, टैलस एंड कैल्कनियस। फिर मिड फुट में ये बीच के बोन्स आते हैं जिनका नाम है नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म। और क्यूनिफॉर्म के भी 2 टाइप्स आ जाएंगे। और 4 फुट में फिर हमारे मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, ऐसे 2 बोन्स आते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक डालिए टार्सल्स बोन। इसमें लिखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 आर्टिकुलेटिंग बोन्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 आर्टिकुलेटिंग बोन्स इन ईच फूट। फिर उसका उसमें हाँ लोकेशन बोलिए लिख बोलिए। लीजिए, इट इज सिचुएटेड बिटवीन, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द लोअर एंड ऑफ टीबिया एंड फिबुला टीबिया एंड फिबुला ऑफ लोअर लेग। ऑफ लोअर लेग एंड द मेटा टार्सल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लार्जेस्ट बोन इन टार्सल इज कैल्केनियस। लार्जेस्ट बोन इन टार्सल इज कैल्केनियस विच इज अ वेट बियरिंग बोन। विच इज अ वेट बियरिंग बोन विद इन हील ऑफ फुट। विद इन हील ऑफ फुट। ठीक है, अब देखिए हमने जब इसको एज अ ग्रुप पढ़ा पूरा फुट को, तो हमने इसको डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, जैसे कि हिंज फुट, मिड फुट और फोर फुट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सिर्फ टार्सल देखेंगे, मतलब ये जो 7 बोन्स है सिर्फ इसी को जब देखते हैं, तो हमने इसमें क्या बताया टार्सल बोन में कि ये 7 बोन का ग्रुप है जिसमें से सभी जो 7 बोन है वो आर्टिकुलेटिंग है, मतलब कनेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से। कुछ कनेक्शन करेंगे आपस में, कुछ कनेक्शन करेंगे ऊपर के बोन से, कुछ कनेक्शन करेंगे नीचे के बोन से। तो इसमें से जो 7 के 7 बोन्स हैं सभी आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं।
अब इनका लोकेशन कहाँ पे है, मतलब टार्सल का लोकेशन कहाँ पे है, तो स्क्रीन पर देखिए, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला ऑफ लोअर लेग, मतलब ये टिबिया एंड फिबुला है, उनके लोअर एंड के बीच में और नीचे से मेटाटार्सल के बीच में, इसलिए हमने इसको कहा इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला ऑफ लोअर लेग एंड मेटाटार्सल्स। ठीक है, नीचे से कनेक्शन कर रहे हैं मेटाटार्सल्स को जो 5 है, और ऊपर से कनेक्शन कर रहे हैं हमारे टीबिया एंड फिबुला को जो 2 है। फिर इसमें बताया नेक्स्ट पॉइंट कि इन सातों में से जो ये कैल्केनियस है, ये जो नीचे है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट बोन है और वेट बियरिंग बोन है, मतलब जो बॉडी वेट आएगा पूरा ऊपर से, तो ये टैलस से होते हुए हमारे कैल्केनियस पे आएगा, क्योंकि ये हमारे हिल का बोन है और यही हमारे अर्थ पे टच होता है, फ्लोर पे टच होता है जब हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, मतलब जो जितना भी पूरा वेट आएगा ऊपर से वो टैलस से होते हुए हमारे कैल्केनियस पे आएगा। इसीलिए ये जो फुट है इसमें से कैल्केनियस बोन, ये वेट बियरिंग बोन है, पूरा वेट यहाँ पे कैल्केनियस पे आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके अब टार्सल बोन ये 3 ग्रुप में डिवाइड है, इसे नोट डाउन करिए। टार्सल बोन आर ऑर्गेनाइज्ड इन 3 ग्रुप्स। ऑल्सो कॉल्ड एज रोज, विच इज प्रॉक्सिमल, इंटरमीजिएट एंड डिस्टल। ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पर कि जो टार्सल बोन है ये 3 ग्रुप में, जिसको हम लोग 3 रोज भी बोल सकते हैं, उसमें डिवाइडेड है, जैसे कि प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल कौन सा रहेगा इसमें, जो पास में है, ये 2 टैलस एंड कैल्केनियस, जो हमारे पास में रहता, मतलब हमारे एक्सिस, हमारे ट्रंक के पास में है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल। तो ये प्रॉक्सिमल ग्रुप हो गया टार्सल बोन का, ये मिडिल ग्रुप हो गया, सिर्फ एक बोन आएगा नेविकुलर बोन, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट ग्रुप बोलेंगे, और ये 4 बोन आएंगे हमारे डिस्टल ग्रुप में, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म, ऐसे इसको ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसमें से लिखिए फर्स्ट ग्रुप, प्रॉक्सिमल ग्रुप। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रॉक्सिमल टार्सल बोन्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रॉक्सिमल टार्सल बोन्स सच एज टैलस एंड कैल्केनियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
बोथ ऑफ दिस बोन्स बोन ऑफ बोथ ऑफ दिस बोन्स मतलब दोनों भी बोन फॉर्म हिंड फुट ठीक है। तो हमने क्या बोला इसमें, अब ट्रांसवर्सल बोन में तीन ग्रुप्स देखे हमने, प्रॉक्सिमल ग्रुप, इंटरमीडिएट ग्रुप एंड डिस्टल ग्रुप। उसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है प्रॉक्सिमल ग्रुप, ये प्रॉक्सिमल टार्सल बोन से बना है, जिनका नाम है टैलस एंड कैल्केनियस, मतलब ये दो, ये है प्रॉक्सिमल टार्सल बोन, जो दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा हिंड फुट। ये अब इसमें से लिखिए फर्स्ट नंबर का टैलस बोन, अब इसी बारे में देखेंगे हम लोग टैलस बोन क्या है। इट इज मोस्ट सुपरियर ऑफ टार्सल्स बोन, इट इज मोस्ट सुपरियर ऑफ टार्सल बोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रांसमिट वेट ऑफ एंटायर बॉडी टू द फुट। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज थ्री आर्टिकुलेशंस, एज गिवन बिलो। ओके, तो जो फर्स्ट इसका ग्रुप है प्रॉक्सिमल ग्रुप हमारे टार्सल बोन का, उसमें दो बोन है टैलस एंड कैल्केनियस। तो उसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी टैलस बोन। अब ये बोन क्या है, तो सबसे सुपरियर है। सुपरियर मतलब क्या है, बाकी के जितने भी जो है सिक्स है हमारे टार्सल बोन, सबसे ऊपर में ये रहता है, इसका जो लोकेशन है सबसे सुपरियर है। इसका काम क्या है, तो ये जो बॉडी वेट आ रहा है पूरे ऊपर से, उसको ट्रांसमिट करेगा नीचे, ठीक है। इट ट्रांसमिट वेट ऑफ एंटायर बॉडी टू फुट, मतलब नीचे यहाँ पे वो वेट, क्योंकि यहाँ पर टीबीएस से डायरेक्ट यही कनेक्टेड है टैलस, तो जो भी वेट आएगा पहले टैलस में आएगा और वो फिर नीचे उसको ट्रांसमिट करेगा। अब हमने बताया इसमें कि ये जो टैलस बोन है ये तीन टाइप के आर्टिकुलेशन करता है। अब उसे नोट डाउन करिए, तीन आर्टिकुलेशन कौन से है, तो सुपीरियरली, इंफीरियरली एंड एंटेरियरली। अब लिखिए फर्स्ट आर्टिकुलेशन सुपीरियरली, इट इज कॉल्ड एज एंकल जॉइंट। इट इज कॉल्ड एज एंकल जॉइंट
ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि टेलस बोन ये तीन आर्टिकुलेशन यहाँ पे करता है। फर्स्ट वन है सुपरियरली, मतलब ऊपर की तरफ से। उसमें लिखा हमने इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंकल ज्वाइंट। इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन बिटवीन, इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन बिटवीन टैलस एंड बोन्स ऑफ लेग। टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, तो इसमें का जो फर्स्ट जॉइंट है वो कौन सा है? ये ऊपर का है। इसे बोलते हैं हम लोग सुपरियरली, क्योंकि यहाँ पे सुपरियर मतलब उसके ऊपर के पार्ट से हो रहा है। और ये जॉइंट को बोलते हैं एंकल जॉइंट। यहाँ पे किसका कनेक्शन हो रहा है? यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है टेलस बोन का और टीबिया एंड फिबुला बोन का। ये दोनों का कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या रहेगा? तो जब भी हमारा फुट अप एंड डाउन होगा उसका मूवमेंट, तो वो मूवमेंट होगा ये जॉइंट से। मतलब एंकल जॉइंट का काम क्या है? तो हमारे फुट का मूवमेंट करना अप एंड डाउन। तो ये पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए। इट अलाउज अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ फुट। नेक्स्ट लिखिए अभी इसमें इंफीरियरली। इनफेरियर मतलब नीचे से। अभी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब टेलर जॉइंट। सब टेलर SUBTALAR सब टेलर। और टेलो कैल्किनियल जॉइंट। TALO CAL CANEAL टेलो कैल्केनियल जॉइंट। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन टैलस एंड कैल्केनियस बोन। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन टैलस एंड कैल्केनियस बोन। नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज साइड टू साइड मोशन ऑफ फुट। प्रोवाइड्स साइड टू साइड मोशन ऑफ फुट।
ओके, हमने क्या देखा अभी सेकेंड नंबर का, इनफेरियरली। अब सुपेरियरली हो गया, अब उस नीचे इनफेरियरली, अब नीचे यहां पर। अब ये क्या करेगा, इसे बोलते हैं हम लोग सब टेलर जॉइंट, क्योंकि ये टेलस वहां पे जॉइंट हो रहा है इसलिए सब टेलर बोल दिया। या फिर इसको टेलो कैल्किनियल जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि टेलस और कैल्किनियस यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं इसलिए जॉइंट को नाम दे दिया टेलो कैल्किनियल जॉइंट। अब ये क्या कर रहा है, ये आर्टिकुलेशन कर रहा है, ये कनेक्शन कर रहा है दो बोन के बीच में, जिनका नाम है टेलस एंड कैल्केनियस। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये इसका फंक्शन मतलब जब भी हमारा फुट साइड टू साइड टर्न होगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट, तब इसका मूवमेंट ये अलाउ करेगा, मतलब ऐसे राइट लेफ्ट, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जब ये मूवमेंट होंगे तो ये जॉइंट यहां पे मदद करता है। ठीक है, और इसमें लास्ट वन है एंटीरियरली, मतलब सामने की तरफ से। थर्ड वन है एंटीरियरली, इसमें लिखी है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलो नेविक्युलर जॉइंट, टेलो नेविक्युलर जॉइंट, TALO, टेलो नेविक्युलर। NAVICULAR, नेविक्युलर। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन टैलस एंड नेविक्युलर बोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट अलाउज इनवर्ड एंड आउटवर्ड एज वेल एज सर्क्यूलर मोशन। एज वेल एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो थर्ड जॉइंट देखा हमने एंटीरियरली, मतलब सामने की तरफ से ये पार्ट। अब ये क्या कर रहा है, तो इसको सबसे पहले हमने बोला है टेलो नेविकुलर जॉइंट, क्योंकि यहां पे कनेक्शन हो रहा है हमारे टेलस का और नेविकुलर बोन का, मतलब जो ए नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो कौन सा बोन है, नेविकुलर बोन। इन दोनों का कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसे जॉइंट को नाम दिया है टेलो नेविकुलर जॉइंट। अब ये क्या कर रहा है, तो ये अलाउ करेगा हमारे फुट को इनवर्ड आउटवर्ड और रोटेशन मोमेंट, मतलब अंदर बाहर राइट एंड लेफ्ट प्लस रोटेशन, मतलब हम जब एंकल रोटेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उस दौरान भी ये मदद करेगा। ठीक है, तो ऐसे तीन यहाँ पे हमारे आर्टिकुलेशन कंप्लीट हुए टेलस बोन के। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो सभी एक बार अभी पूरे ध्यान से देखिए, हम लोग रिमेनिंग टाइम में अभी पूरा एक बार रिविज कर लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया यहाँ पे टार्सल बोन्स। ठीक है, मीन्स हमारा जैसे अभी तक हुआ था लोअर लेग पार्ट, ऊपर के जो दो बोन्स है टिबिया एंड फिबुला, अब उसके नीचे का पार्ट हमने यहाँ पे आज स्टार्ट किया। तो टार्सल स्टार्ट करने के पहले हमने देखा है कि ये जो हमारा पूरा पार्ट है वो होता है फुट, ठीक
ठीक है, और उसे उसके बोन्स को कहता है बोन्स ऑफ फुट। अभी नॉर्मली तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, सभी को पता है। इसमें टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं और फेलेंजेस होते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके लोकेशन के हिसाब से, इसके रीजन के हिसाब से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे कहते हैं हिंज फुट, मिड फुट और फोर फुट। मतलब हिंज फुट में हमारे टार्सल के दो बोन आते हैं, टैलस एंड कैल्केनियस। फिर मिड फुट में बीच के बोन्स आते हैं, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म के तीन बोन। और फोर फुट में आते हैं मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस, ये रीजन के हिसाब से। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया हमारा टार्सल बोन, कि टार्सल बोन ये सेवन बोन से बना है, जिसमें सभी के सभी बोन आर्टिकुलेटिंग बोन है। हर एक बोन एक दूसरे से या फिर ऊपर मतलब प्रॉक्सिमल एंड में या डिस्टल एंड में अटैचमेंट कर रहे हैं। इन सेवन बोन में से कैल्केनियस बोन ये सबसे लार्जेस्ट होता है, मतलब ये नीचे का। उसके साथ साथ ये वेट बियरिंग बोन भी है, हमारे हिल में रहता है ये। फिर बाद में हमने देखा है कि हमारा जो टार्सल बोन है हमारे फुट में का, तो उसको भी हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया है उसके रोज के हिसाब से। मतलब यहाँ पे जो बोन्स है ये तीन रो में रहती है, इसलिए इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया है और उसको नाम दिया है प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल, जिसमें से फर्स्ट है प्रॉक्सिमल ग्रुप, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल रो भी बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर की रो है ये। और ये प्रॉक्सिमल रो बनी होती है टैलस बोन से एंड कैल्केनियस बोन से। फिर सेकेंड ग्रुप है जिसका नाम है इंटरमीडिएट ग्रुप, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट रो भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बीच में है और उसमें एक ही बोन रहता है जिसका नाम है नेविकुलर बोन। फिर इसमें थर्ड ग्रुप है जिसको हमने बोला है डिस्टल ग्रुप, और इसी को हम लोग डिस्टल रो भी बोल सकते हैं। इसमें इंक्लूड रहते हैं फोर बोन जिनका नाम है क्यूबॉइड एंड थ्री बोन्स ऑफ क्यूनिफॉर्म, मतलब मिडिस, इंटरमीडिएट एंड लैटरलिस, ऐसे चार बोन इसमें रहते हैं। अब इसमें से हमने फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया है प्रॉक्सिमल ग्रुप, फर्स्ट नंबर की रो है ये। अब ये ग्रुप में दो बोन रहते हैं टैलस एंड कैल्केनियस, और ये दो बोन मिलकर बनाते हैं हमारा हिंज फुट, मतलब जो पूरे फुट का फर्स्ट नंबर का ग्रुप है। अब इन दोनों में से हमने फर्स्ट नंबर का बोन देखा टैलस बोन। अब ये टैलस बोन सबसे सुपरियर बोन है, मतलब उसका जो लोकेशन है तो बाकी टार्सल बोन से सबसे सुपर, मतलब सबसे ऊपर रहेगा। यहाँ पे ये कनेक्शन करता है थ्री टाइप्स के, और उसके साथ साथ तीन जॉइंट बनाता है। तो फर्स्ट कनेक्शन इसके हमने देखा सुपरियर कनेक्शन, सुपरियरली ऊपर की तरफ से, जहां पे ये टैलस बोन हमारे टिबिया एंड फिबुला बोन से जॉइंट कर रहा है, और यहां पे जॉइंट बना रहा है एंकल जॉइंट। ये जॉइंट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये हमारे फुट के अप एंड डाउन मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब ये फुट का जब अप मूवमेंट या फिर डाउन मूवमेंट होगा तो इसमें ये हेल्प करेगा। फिर सेकंड देखा हमने इंफीरियर, मतलब नीचे की तरफ, यहां पर इसी को बोला हमने सब टेलर जॉइंट और टेलो कैल्केनियल जॉइंट, क्योंकि यहां पे हमारा टेलस और कैल्केनियस बोन जॉइंट होता है।
इसका फंक्शन क्या है? तो ये साइड टू साइड मूवमेंट करेगा, मतलब इधर अंदर की तरफ या फिर लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ, ऐसे अंदर और बाहर साइड टू साइड मूवमेंट जब होता है हमारे फुट का, तो उसमें ये हेल्प करेगा। फिर हमने थर्ड देखा जिसका नाम है एंटरियली, मतलब सामने की तरफ ये जॉइंट, ये जॉइंट को नाम दिया हमने टैलो नेविकुलर जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा टैलस बोन और नेविकुलर बोन जो यहाँ पे ए नाम से दिया है, डिनोट किया है, तो ये दोनों बोन यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है इनवर्ड आउटवर्ड, मतलब अंदर और बाहर, इसी साथ साथ रोटेशन, मतलब जब हमारा फुट रोटेशन करेगा उस दौरान भी ये हेल्प करेगा हमारे फुट को। तो यहाँ तक हुआ हमारा आज के लेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैल्किनियस बोन और फिर उसके फर्दर ग्रुप्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक? थैंक ठीक है, तो फिर हमारा आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव हेलो सेवा सर, पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।